वेलकम टू एस्टेडिनिक्स। एस्टेडिनिक्स पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज हम रीजनिंग का मॉक टेस्ट लेने वाले हैं। देखते हैं कितने लोग कितना क्वेश्चन सही करते हैं। ये जो फ्रेंड्स आपका टेस्ट हो रहा है वो आने वाले सभी एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, यानी जिस टाइप से आपके एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम उसी टाइप के हम इस लेक्चर में क्वेश्चन करवाने वाले हैं, और उसको एग्जाम हॉल में इजी तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जब भी फ्रेंड क्वेश्चन आया करे तो पहले वीडियो को पॉज किया करिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए, उसके बाद जब इसका सलूशन आ जाता तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद तो हम बताते ही हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपका एनालॉजी से क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, हम यहां पे लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहां पे लिखा है 2 3 4, उसके बाद अनुपातिक का सिंबल 81 लिखा है, उसके बाद यहां पे समानुपातिक का सिंबल है यानी चिन्ह है, उसके बाद आपका लिखा है कितना, देखिएगा 143 लिखा है, 143। उसके बाद इस जगह पे कौन सा नंबर आएगा यही हमसे पूछ रहा है, कौन सी संख्या आएगी यही हमसे पूछ रहा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा यानी एनालॉजी से बेस्ड क्वेश्चन रहेगा तो इसको कैसे करेंगे आइए सीखते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, ये आपका एनालॉजी से क्वेश्चन है तो आपको पता ही होगा कि एनालॉजी में क्या कॉन्सेप्ट लगता है, यानी जो यहाँ पे संबंध होगा वही इसमें और इसमें संबंध में आना चाहिए, जो संबंध इन दोनों में होगा, इन और इसमें, इस संख्या में और इस संख्या में जो संबंध होगा वही संबंध इस जो संख्या दी है और उसके बाद जो आएगी वही संबंध होना चाहिए। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 2 3 4, अगर इनको काउंट करते हैं तो देखिएगा 4 3 7 2 9, यहाँ पे ये 9 आएगा। अगर हम 9 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 9 81, ठीक है। यानी यहाँ भी जो नंबर दिया है, पहले जो नंबर दिया है सभी को हमें क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा, उसके बाद काउंट करने के बाद उसका हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा संख्या मिल जाएगी। उसके बाद देखिए सेम इसमें भी करना पड़ेगा, सभी को काउंट करेंगे तो देखिएगा 3 और 4 7 हो जाएगा, 7 1 8, यानी हमें क्या करना पड़ेगा 8 का स्क्वायर, तो अगर 8 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हमने क्या किया है, हमने जो एनालॉजी का कॉन्सेप्ट है उसी पे बेस्ड लगाया है, यानी हमने क्या किया, इन दोनों सभी अंकों को काउंट करके उसके बाद इसका स्क्वायर कर दिया तो हमारा 81 आ गया। सेम यही जो यहाँ पे फॉलो किया है वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ भी फॉलो कर दिया, यानी सभी अंकों को काउंट करके उसका स्क्वायर कर दिए तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, जो हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है, यानी ऑप्शन सी राइट। तो चलिए इसी सीक्वेंस में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है तो इसको भी आप लोग जल्दी से सॉल्व करें। देखिएगा फाइंड द मिसिंग नंबर, देखिएगा पहले हम इसको फिगर बनाते हैं उसके बाद इसको हम सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपका फिगर हो गया, उसके बाद देखिए कैसे क्या लिखा है, सभी को हम लिखेंगे तो देखिएगा इसमें लिखा है आपका 5, यहाँ पे आपका 6 लिखा है, यहाँ पे आपका 10 लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है, उसके बाद इसमें क्या लिखा है 35 लिखा है, उसके बाद यहाँ पे 60 लिखा है। अब बताइए इसमें क्या संबंध आया कि यहाँ पे हम क्या करें ताकि हमारा इस यहाँ पे नंबर आ जाए। तो देखिए फ्रेंड, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए यानी मिसिंग नंबर का, जब भी लुप्त संख्या का क्वेश्चन ऐसा फिगर दे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा सिंपली आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को या तो इन तीनों में संबंध दिया रहेगा, ठीक है, और या तो इन तीनों में संबंध दिया रहेगा, जो संबंध इसमें रहेगा और वही संबंध इसमें रहेगा, ठीक है। तो अगर इस संबंध से काउंट करते हैं मतलब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिएगा 60 का अगर हम 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा ना। अब देखिएगा 35 का अगर हम 10 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा हो जाएगा 350 हो जाएगा, ठीक है।
और उसके बाद 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा, तो ये वाला आपका कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। अब चलिए अब दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। कैसे लगाते हैं कॉन्सेप्ट देखिएगा। अब अगर यहाँ पे इन दोनों में देखेंगे तो 1 का डिफरेंस है, और इन दोनों में देखेंगे तो 4 का डिफरेंस है, और यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो अगर देखेंगे तो अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 ही होगा, उसके बाद यहाँ पे 4 है तो अगर 2 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। अब क्या करेंगे हम, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अब 10 में 9 को काउंट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा 6 में 4 को काउंट किया है तभी हमारा 10 आया है, तो अब 10 में 9 को काउंट कर देंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। कौन सा नंबर आएगा, 19 आएगा। अब देखिएगा फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे, तो अब बताइए 4 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 16। अब इसको 19 में 16 को काउंट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 6 15, 15 के 5 हासिल 1, 1 2 और 1 3 यानी 35, तो यहाँ पे आपका 35 आ रहा है। इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, ये जो हमने यहाँ पे लगाया है वो आपका राइट हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 19 हो जाएगा। कितना होगा, 19, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी सिक्वेंस में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। देखिएगा ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से सॉल्व करें। अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, सब कुछ मत करिए, लेकिन कमेंट तो ज़रूर किया करिए, क्योंकि अगर कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं, और कोई भी क्यूरीज रहे वो हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। यानी कोई भी क्यूरीज, कोई भी क्वेश्चन ना आता हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाता है, अबाउट फ़ोन में भी, अबाउट चैनल में भी, वहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, और हमें कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे कि सर हमको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हमको इस टाइप का क्वेश्चन बता दीजिए, तो उसको हम वीडियो विद सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको उससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको पर्सनली बता देंगे क्वेश्चन, ठीक है, बस आप अगर व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट किए तो वो भी आपको बता देंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने तो आ ही गया है, अब क्वेश्चन को हम करवाते हैं। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम में लगाइए। अब देखिएगा 3-5 शब्द दिए हैं, इसको शब्दकोश के अनुसार लगाना है, इसको कैसे लगाएंगे ये हमें बताना है। तो अब देखिएगा पहले जो शब्द दिया है उसको लिखेंगे, तो पहले आपका शब्द दिया है ट्रिनिटी दिया है, क्या दिया है, TRINITY दिया है। दूसरा शब्द आपका क्या दिया है, टूल दिया है, और तीसरा शब्द आपका क्या दिया है बताइए, टूल हो गया, और तीसरा शब्द टाउन दिया है, TOWN टाउन। उसके बाद चौथा शब्द आपको क्या दिया है बताइए, ट्विस्ट दिया है, TWIST दिया है। उसके बाद लास्ट वाला टाइप दिया है, यानी ऑप्शन नंबर 5 है आपका टाइप, ठीक है, ये शब्द दिया है। अब इसको हमें क्या करना है, A to Z के अनुसार, के अकॉर्डिंग हमें रखना है। तो देखिएगा फ्रेंड जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे, और विद इन 2 सेकंड में देखिएगा। अब देखिएगा इसमें सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, अगर सब में टी है तो टी को पहले रखेंगे, ठीक है, टी को अगर हम पहले रखते हैं तो टी के बाद कौन सा नंबर आएगा। अब देखिएगा यहाँ पे आर है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे वाई है, तो बताइए पहले आर आएगा या ओ आएगा या डब्ल्यू आएगा या वाई आएगा, तो पहले कौन सा नंबर आएगा, पहले कौन सी लेटर आएगा, ओ आएगा, ठीक है। तो अब बताइए ओ इन दोनों में है, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा अगर पहला चले उसके बाद दूसरा चले तो ओ इन दोनों में है, ठीक है, उसके बाद देखिए फिर ओ है तो ओ पहले आएगा, उसके बाद डब्ल्यू बाद में आएगा, तो सबसे पहले कौन सा लेटर, कौन सा वर्ड होगा, यहाँ पे टूल होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, उसके बाद आपका ये वाला होगा तीसरा, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स आर पहले आएगा या डब्ल्यू या वाई, तो पहले आपका आर आएगा, तो यानी पहला आएगा, समझ गए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे 2 बच रहा है, तो W पहले आएगा कि Y, तो पहले W आएगा, यानी 4 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में आप 5 लिख दीजिएगा, तो ये जिस ऑप्शन में होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन A में है, ठीक,
तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसी टाइप से इस टाइप के क्वेश्चन को करिएगा, आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यानी ए टू जेड आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा उसको लिखेंगे, उस वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद उस वर्ड को, उसके बाद जो लेटर आएगा उसके बाद उस वर्ड को लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप लोग व्यवस्थित करेंगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आपके सामने आ चुका है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आपको देखते ही आ गया होगा समझ में, बस ध्यान से करेंगे तो पूरा आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग पहले करिए जल्दी से। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, अनिल का कद सन्नी से लंबा है। देखिए एक अनिल है, इसका कम कद यानी लंबाई किससे लंबा है, सन्नी से, ठीक है, सन्नी से लंबा है। आगे क्या कह रहा है, और सन्नी का कद बेबी से छोटा है, यानी सन्नी का कद जो है वो बेबी से छोटा है, तो बेबी यहाँ पे बीच में आ जाएगा, आएगा ना, अभी यहाँ पे बीच में आ गया। उसके बाद आगे पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है, अनिल का कद बोस से लंबा है, यानी जो बोस है उससे उसका कद अनिल से छोटा है, यानी अनिल का कद बोस से लंबा है। उसके बाद अभी इसको बाहर इसलिए रखे हैं, अभी देखिए इसमें कुछ और डिफरेंस देगा, आगे देखिए समझेंगे। लंबा है जिसका कद सन्नी से छोटा है, यानी इसका कद क्या है, सन्नी से छोटा है, तो यहाँ पे इसका नीचे लिख देंगे, जो सबसे छोटा रहेगा उसको सबसे नीचे लिखेंगे, ठीक है, और जो सबसे बड़ा रहेगा उसको सबसे ऊपर लिखेंगे। अब देखिएगा ये आपका तो बीच में आ जाएगा, समझ गए। उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, यह बताइए कि किसका कद सबसे छोटा है। तो अब बताइए आपको पता ही चल रहा है किसका कद छोटा है, जो सबसे लंबा है वो सबसे ऊपर है, उससे छोटा है, उसके बाद उससे छोटा है, उसके बाद सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, बोस होगा, ठीक है, कौन से होगा, बोस होगा। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग ऐसे सॉल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो लगभग सभी एग्जामों में पूछा गया है क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, पहले इसमें कुछ वर्ड लिखा है, लेटर लिखा है, कैसे लिखा है देखिएगा, यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे खाली है, उसके बाद ए बी है, उसके बाद फिर क्या है, फिर आपका खाली है, फिर बी सी है, उसके बाद फिर क्या है, फिर आपका खाली है, सी ए है, फिर आपका खाली है, ठीक है, ऐसे आपका लेटर लिखा हुआ है। तो अब देखिएगा, हाँ यही लेटर लिखा है, अब इसमें आपको इसको सॉल्व करना है। देखिएगा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो इसको कैसे इजीली तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए सीखते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पे आपका ए है, यहाँ पे आपका बी है, तो ए के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग बी रख सकते हैं कुछ टाइम के लिए, अभी रखिए यहाँ पे बाहर बी यहाँ पे रखिएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, उसके बाद इन दोनों के बीच में सी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, सी रखेंगे, तो कुछ टाइम के लिए आप लोग सी रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी बीच में आ रहा है, यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, सी है, और यहाँ पे देखेंगे तो सी डबल सी के बीच में आपका ए आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, ए रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अब लास्ट में क्या रखेंगे, यहाँ पे बताइए लास्ट में क्या रखेंगे, ए के बाद तो यहाँ पे सी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पे अगर ए है तो देखिए अगर ए आ रहा है तो उसके साथ हमेशा यहाँ पे बी आएगा, उसके बाद क्या आएगा, आपका बी आएगा, तो इस जगह पे आपका हो जाएगा बी, ठीक है। तो यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सी ए और बी, तो किस ऑप्शन में है उसको आप लोग टिक कर लीजिएगा जिस ऑप्शन में होगा। तो आई थिंक हम देखते हैं तो हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए इसको हम फिर से समझा देते हैं, यहाँ से जो जो नंबर लिखे हैं उसको पहले हटाते हैं, ठीक है। देखिएगा देखिएगा अब यहाँ पे ये खाली स्थान है, उसके बाद इसमें फिल करना है, ठीक है, कैसे करेंगे देखिएगा, अगर यहाँ पे ये जो पहला अक्षर है, ठीक है, पहला लेटर यहाँ पे जो है, समझ गए, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद आपका बी आ रहा है,
ठीक है, इस वाले बाद आपका बी आ रहा है, यहाँ पे आपका ए है उसके बाद ए के साथ बी आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग पहले बी रखिएगा, समझ गए। उसके बाद इसके आगे वाला देखेंगे तभी आपका सॉल्व होगा, यानी अगर इसके पहले खाली है उसके बाद आगे क्या लेटर फॉलो किया है उसी के अकॉर्डिंग हम हमेशा करेंगे। तो अब देखिए बी है और सी है, तो यहाँ पे बी है उसके बाद आप लिख सकते हैं सी, ठीक है, क्योंकि आगे आपका बी और सी है, यानी सी के पहले आपका बी है तो यहाँ बी के बाद आपका सी हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे सी हो गया, समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखेंगे तो सी के बाद आपका ए है, तो सी के बाद यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद देखिएगा ए है, सी ए है, उसके बाद यहाँ पे अगर कुछ नंबर होता तो उसी के अकॉर्डिंग रखते, ठीक है। अगर कोई नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, अगर इसके बाद कोई नंबर खाली स्थान है उसके बाद कोई लेटर अक्षर नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले के अकॉर्डिंग रखेंगे, किसके अकॉर्डिंग, पहले के अकॉर्डिंग। तब बताइए ए के बाद आपका बी है तो यहाँ पे आप लोग बी रख दीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन एकदम संतुष्ट हो जाएगा, यानी ये आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ गया होगा, इसलिए हमने दो बार बता दिया, इसलिए कि हो सकता है पहली बार में किसी को ना समझ में आया हो इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि बार बार गलती आप लोग इसी क्वेश्चन को करने में कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको दो बार बताया है। अगर अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसको फिर से देखिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कल हम ज़रूर मिलेंगे, अपने मैथ के मॉक टेस्ट लेकर आने वाले हैं, तो अभी आपके हाल ही में एग्ज़ाम आ रहा है तो इसलिए हम अब कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चन और इसमें इंक्लूड करें, यानी क्वेश्चन को और बढ़ाएं, जैसे अभी 5 करवा रहे हैं उसके बाद 10 करवा सकते हैं, ठीक है। तो कल का लेक्चर फिर देखिएगा, चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।